इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो आज जारी हो गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में हुई बैठक के बाद आज ये सूची जारी हो गई है। इसमें 21 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 49 महासचिव बनाए हैं, साथ ही साथ 121 सचिव बनाए हैं और भी कई नाम है। क्या कुछ इस सूची का, जिसमें किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग हुई है, किन किन वर्गों का ध्यान रखा गया है, कौन कौन इस सूची में शामिल है, साथ ही साथ गहलोत समर्थक और पायलट समर्थकों को कितनी इस सूची में जगह दी गई है, इस बारे में जानते हैं। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक चतुर्वेदी और राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक जी भी हमारे साथ में है। जी जी अभिषेक, ओवर टू यू। देखिए, इस सूची का बहुत लंबे समय से था, एक सूची जारी भी हुई थी लेकिन उस पर कुछ विवाद हुआ और वापस वो AICC ले जाई गई, जहाँ से मुहर लगकर वो सूची नए कलेवर में सामने आई है। महासचिव बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तमाम तरह की पदाधिकारियों को बनाया गया है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी दिख रही है, इसके अलावा इसमें वो लोग भी दिख रहे हैं जो पहले की सूची में एडजस्ट नहीं हो पाए थे या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में एडजस्टमेंट जिनको नहीं मिला था, वो इसमें शामिल हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी संजय कौशिक जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, उदयपुर से शुरू करना चाहूँगा। उदयपुर में जो मंथन शुरू हुआ था, कांग्रेस का शिविर हुआ था, उसमें तय किया गया था कि जिन लोगों को संगठन में जगह मिल गई उनको सत्ता में नहीं मिलेगी, जिनको टिकट मिल गया उनको संगठन में जगह नहीं। तो इस सूची में आपको क्या लगता है कि वाकई उसी तरीके की एक एक्सरसाइज है? देखिए, बिल्कुल वैसी तो मुझे नज़र नहीं आता कि बिल्कुल इसको सख्ती से पालना होगी, क्योंकि जिस तरह के इसमें मैं नाम देख रहा हूँ उससे साफ ये लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि इसमें नाम आ गया तो टिकट की दावेदारी खत्म हो गई। जी, और दूसरी चीज़ जो सोशल इंजीनियरिंग की है वो काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत से लोग घबराए हुए थे जब उस सूची को रोक दिया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि जो जिन लोगों ने अपने सूची में नाम जुड़वा लिए हैं वो रह पाएंगे, कायम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ बाकायदा होल्डिंग्स लग गए थे, मिठाइयाँ बट गई थी, आतिशबाजी हो गई थी, उसके बाद उस सूची को रोक दिया गया था। तो काफ़ी लोग चिंतित थे, लेकिन अभी सूची को देखने के बाद लग रहा है कि सूची में ऐसा लगता था कि पहली वाली सूची में शायद सचिन पायलट के लोगों को पूरी तवज्जो नहीं मिली थी, और अब जो सूची जारी हुई है उसमें सचिन पायलट समर्थकों का भी नाम जोड़ दिया गया है। तो इससे कुल मिलाकर ये लगता है कि कांग्रेस टोटली इलेक्शन मोड पे आ गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभी गुटों को साधने की कोशिश में है, चाहे वो सचिन पायलट का गुट हो, चाहे गहलोत गुट हो, और अन्य भी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, और जिसको देखते हुए लगता है कि अब पूरी तरह इलेक्शन की तैयारी से CM ने भी कहा था कि 2-3 महीने 4 महीने मतलब काफ़ी पहले टिकट जो है वो चुनाव से 2 महीने पहले तय हो जाने चाहिए, तो उसी स्क्रूटनी का ये एक हिस्सा माना जा सकता है, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह में सूची आने की बात कही जा रही है उम्मीदवारों की। तो आपको लगता है कि उस स्क्रूटनी, उस चयन में आसानी हो, इसलिए ये पॉलिटिकल जो एक सूची जारी की गई है ताकि संगठन का भी विस्तार हो जाए और संगठन जो है पूरी ऊर्जा के साथ काम में लग जाए? देखिए, इस जी देखिए जो जिस तरह की सूची आई है, और आप सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2 महीने पहले सूची जारी हो जानी चाहिए उम्मीदवारों की, उस दिशा में बढ़ाया हुआ कदम इसे माना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत आसान चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रयोग कई बार हो चुके हैं। इतने दिन पहले सूची जारी करने का मतलब है विद्रोह को जन्म देना, विरोध को जन्म देना, और उसमें जो उम्मीदवार होता है उसको काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं बहुत पहले से। ऐसे स्थिति में किस तरह से, जब यहाँ 2 गुट हैं और बहुत ज़्यादा आपसी कलह है, उस स्थिति में किस तरह से इसको फेस कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। उपाध्यक्षों की सबसे पहले तो आपको बताऊं, कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल को बनाया गया है, जाना पहचाना नाम है जयपुर का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया है। नसीम अख्तर इंसाफ जो पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री रही थी उनको भी इस समय उपाध्यक्ष में जगह दी गई है। इसके अलावा गिरिराज पठाना, हाकम अली, घनश्याम महर जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं टोला भीम से, इसके अलावा भरत राम मेघवाल, जगदीश चंद्र जांगड़, मंजू मेघवाल, वीरेंद्र बेनीवाल जो मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट स्टेट मिनिस्टर रहे थे, गृह राज्य मंत्री भी रहे थे, इसके अलावा हीरा लाल डांगी, इसके अलावा हंगामी लाल मेवाड़ा, कैलाश मीना, रतन देवासी जालौर और सांसौर साइड से भी जो नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा रामविलास चौधरी, रमेश खंडेलवाल, सुशील शर्मा, जगतार सिंह कंग,
समरजीत सिंह रफीक मंडेलिया चूरू से एक बड़ा नाम रफीक मंडेलिया उनका भी इसमें नाम शामिल है, राजकुमार जयपाल, इसी तरह से दर्शन सिंह जो पूर्व इस वक्त भी डाक विकास किसी विकास बोर्ड में या किसी बोर्ड में उनको जगह मिली है और उसके अलावा पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, हंसराम गुर्जर के वो बेटे हैं। इसके अलावा ललित तूनवाल उनको संगठन का महासचिव बनाया गया, संगठन महामंत्री बनाया गया है। इसी तरीके से और भी कुछ नामों पर नजर डालें तो महासचिवों की सूची में सबसे ऊपर नाम है प्रशांत बैरवा। इसके अलावा राकेश पारीक, मिस रीटा चौधरी झुंझुनू से मंडावा से, और इसके अलावा जसवंत गुर्जर हैं, आरसी चौधरी हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जो प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त हैं और मीडिया पैनल में वो उनका नाम है, विशाल जांगड़ इसमें हैं, देशराज मीना इसमें हैं, फूल सिंह ओला हैं, राजेंद्र मूड हैं, प्रतीक्षा यादव जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, राखी गौतम इसमें जगह मिली है, राखी गौतम को, महेंद्र सिंह गुर्जर, प्रशांत शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज भी ऊर्जावान कार्यकर्ता माने जाते हैं कांग्रेस के, राम सिंह कस्बा, इसके अलावा चेतन डूड़ी डीडवाना से विधायक हैं इस वक्त। मैं आपको बता दूं, पुष्पेंद्र भारद्वाज वही है जो पिछली बार सांगानेर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और राम सिंह कस्बा वो हैं जिन्होंने तमाम वसुंधरा राजे के खिलाफ जितने मुकदमे किए गए वो ये राम सिंह कस्बा ही थे जिनको शायद इस बार पहली बार पुरस्कार मिला। जी, और जिस तरीके से चेतन डूड़ी डीडवाना नागौर के डीडवाना से विधायक हैं, पूर्व विधायक रूपा राम डूड़ी के बेटे हैं। इसी तरह से मोहन डागर, रोहित भौरा धौलपुर, सुदर्शन सिंह रावत, मनोज मेघवाल, अजीत सिंह यादव, इंदिराज सिंह गुर्जर, गणेश भोगरा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा नाम है। इसके अलावा पूछाराम गोदारा, अमित धारीवाल, शांति धारीवाल के बेटे हैं और इस वक्त हड़ौती में इनका अच्छा मतलब ऊर्जावान नेता के तौर पर इनकी एक डेब्यू माना जा सकता है। अमित धारीवाल शांति धारीवाल के बेटे हैं। विक्रम सिंह शेखावत वो शख्स हैं जिन्होंने दो बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे और पिछली बार उनको टिकट नहीं दी गई थी तो वो बागी उम्मीदवार की तरह निर्दलीय चुनाव लड़े और उन्होंने 50,000 वोट लिए जिसके नतीजा ये हुआ कि सीताराम अग्रवाल जो अब कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं वो चुनाव हार गए। इसी तरीके से सूची में आपको और नाम कुछ बता देते हैं, लाल सिंह झाला हैं, ब्रजेंद्र सिंह सिद्धू हैं, अमित चाचान हैं, महेंद्र सिंह बरजोड़ हैं, इसके अलावा सुमन यादव हैं और साफिया जुबेर को भी मतलब महिलाओं को भी सर इसमें काफ़ी नाम इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरीज की सूची में राजपाल शर्मा, गोपाल कृष्ण शर्मा, चांदमल जैन, राजेंद्र शर्मा, हरीश चौधरी का भी नाम इसमें शामिल है सर। इसके अलावा इंदिरा मीना बामनबास विधायक हैं मेरे ख्याल से उन्हीं का इसमें नाम। इसके अलावा मीनाक्षी चंद्रावत जो NSUI की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं, मुकेश भाकर जो लाडनू से विधायक हैं इस वक्त और पायलट खेमे के नेता हैं और हाँ छात्र नेता के तौर पर भी इनकी अच्छी छवि है। राजेश चौधरी भी इस सूची में शामिल हैं, सुरेश मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल है, तो सोशल इंजीनियरिंग भी इसमें नजर आ रही है। अंजना मेघवाल, संजय कुमार जाटव, शिमला देवी नायक और उमाराम मेघवाल। जी, एक सवाल सर, एक हरीश चौधरी का नाम इस सूची में नजर आ रहा है, जिस तरह से पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ उसमें हरीश चौधरी काफी उभर कर सामने आए थे, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो या फिर वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट के बीच में बातचीत करना है, संवाद करना, उनको प्रदेश महासचिव बनाया गया, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हरीश चौधरी यदि ये वही हैं, एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए, वो बहुत सीनियर वो हैं और सबसे बड़ी बात पंजाब के वो प्रभारी रहे थे चुनाव में और उसके बाद पिछले दिनों उन्होंने जिस तरह से सचिन पायलट, अशोक गहलोत और तमाम नेताओं से मुलाकात की तो पार्टी सूत्रों का तो यहाँ तक कहना था कि राहुल गांधी ने उनको बीच में समन्वयक का जिम्मा सौंपा है कि आप सभी पक्षों को मनाएं और एक जाजम पर लेकर आएं, तो उसके हिसाब से हरीश चौधरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आने वाले समय में भी उनको और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जिस तरीके से जिलाध्यक्षों का जो मामला है, पूरी सरकार का कार्यकाल निकल गया लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं बन पाए थे और अब आखिर में जब ये जिलाध्यक्षों की ताजपोश हुई है, इससे कैसे लेते हैं, क्योंकि एक जो जिला यूनिट है उसका तो मुखिया होता है, जो विधायक का चयन होता है उसमें भी उसका एक रोल होता है, वो फीडबैक देता है, तो जिलाध्यक्षों की जो ताजपोश हुई है उससे किस तरीके से लेते हैं आप, संगठन को मजबूती मिलेगी और क्या और अच्छी तरीके से कांग्रेस परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, अब भी यदि ये नहीं होता तो फिर कब होता, सामने चुनाव है और इतने लंबे समय निकल गया, मेरे ख्याल से 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, हो गए हैं इनको, 14 जुलाई को शायद पूरे हो जाएंगे इनको, डोटासरा को,
तो ये तो बहुत जरूरी था, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 25 है या 29 है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। 25 नाम इसमें, 25 नाम इस लिस्ट में दिए हैं, लेकिन शायद 29 नाम होने थे, कुछ इस तरह की बात चल रही है। वो अभी स्पष्ट नहीं है स्थिति, हालांकि इन्होंने उसमें सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है, कास्ट को भी देखा है और क्षेत्र को भी देखा, क्षेत्र को भी देखा है, और इन सब को देखते हुए इन्होंने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। आपको ये लगता है कि अब से कुछ दिन पहले सूची सीधी जारी हो गई थी, फिर AICC की वहाँ मंथन चला, आपत्तियाँ भी, एतराज भी उस पर आया, उसे पेश किया गया, तो अब आपको लगता है कि चुनाव बहुत नज़दीक है और अब इस तरीके की कोई आपत्ति इस पर नहीं आएगी, क्योंकि समग्र मंथन से हुआ है और मेरे ख्याल से सभी की सलाह का समावेश उसमें है। देखिए, आपत्ति तो प्रक्रियात्मक बताई गई थी कि साहब जो प्रोसीजरल सिस्टम है उसको फॉलो नहीं किया गया, AIC से अनुमति नहीं ली गई, और निजी स्तर पर या राजस्थान ने अपने स्तर पर सूची जारी कर दी संगठन ने, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी थी जो समझ में आ गई है लोगों को। सभी समझ रहे हैं कि किस तरह से उसको सूची को रोका गया, किस तरह उसमें नाम बढ़ाए गए, सेक्रेटरीज जो 80 के आसपास थे उनको बढ़ाकर 121 किया गया, इसका मतलब तमाम लोगों को, तमाम गुटों को उसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है, और कुल मिलाकर जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। और यदि उदयपुर चिंतन शिविर की बात करें हम, संकल्प शिविर की, तो उसको देखते हुए तो ये कहा गया था कि एक पद एक सिद्धांत, एक पद और एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू रहेगा, और इसी प्रकार यदि देखा जाए तो संगठन में जिलाध्यक्ष बनने के बाद टिकट की उम्मीद करना उचित नहीं रहेगा। तो ये सूची है, और सूची पर वरिष्ठ पत्रकार संजय कौशिक साहब की ये प्रतिक्रिया, विश्लेषण आपने देखा, और निश्चित तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि सूची जारी होने के बाद असंतोष नहीं उभरेगा या संतोष जताया जाएगा। हो सकता है किसी को एडजस्ट नहीं किया गया हो, किसी को जगह नहीं मिल पाई हो, आगे उन्हें एडजस्ट करने की कोशिश हो, लेकिन फिलहाल ये है कि पूरी तरीके से कांग्रेस भी चुनावी मोड में नजर आ रही है, संगठन का विस्तार अब साफ हो गया है। कई दिनों दिल्ली से राजस्थान में चले मंथन के बाद आखिर ये जम्बू सूची आई है, बहुत सारे नाम इसमें हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह का दावा कांग्रेस के आला नेता कर रहे हैं कि कांग्रेस में ऑल इज वेल है, वो सूची में भी नजर आए, और उसके बाद उस तरह की प्रतिक्रिया भी आए, और सभी लोग मिलकर काम करते हैं, या फिर एक बार जिस तरह से पहले के अनुभव रहे हैं उसी तरीके के कुछ अनुभव सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस सूची पर इतना ही अपडेट, आप पत्रिका टीवी के और पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस सूची को भी देख सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट ले सकते हैं। सहयोगी नमन अग्रवाल के साथ, दर्शन शर्मा के साथ, अभिषेक चतुर्वेदी।